तो गेट एक्सटर्नल डेटा के अंदर हमने क्या किया, यहां से हमने सीधा जे बना लिया, मैटर बना लिया, राम लिखा, देवरी लिख दिया, टैब लगा के एम पी लगा दिया, यहां पर 470 226 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हमने किसी भी नाम से हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया 4F नाम से। अब इस डेटा को यहां प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, सीधा एक्सटर्नल डेटा गेट यहां से आप क्या लगा दोगे F। अब यहां पर नेम सिटी तो दिख रहा है, दो तरीके एक का है, एक तो फिक्स्ड है और एक है डिलिमिटेड। तो अभी डिलिमिटेड पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो हम इसको करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक टैब पर निशान लग गया, काय पर निशान लग गया, तो ऑटोमेटिक कॉलम वाइज डेटा तैयार हो गया, वहां था टेक्स्ट के रूप में, यहां पर काय बदल गया। यदि हम एक्सेस से डेटा को प्राप्त करना चाहते हैं तो एमएस एक्सेस से भी डेटा ला सकते हैं। तो आपको याद होगा एड्रेस हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे तो वहां पर एड्रेस नाम से बनाया था, तो यहां पर तुमने देखा जी आ गया आया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गेट फ्रॉम, यहां से कोई इंटरनेट की फाइल है वहां से कोई डेटा लाना है तो आप ला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरनेट के माध्यम से भी डेटा को यहां प्राप्त कर सकते हैं वेब फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये लोड हो रही है फाइल, यदि और कोई दूसरी है वेबसाइट जो आप यहां से खोलना चाहते हैं तो यहां पर आप टाइप कर दीजिए या लिख सकते हैं HTTP, क्या लिख दिया, चलो इसी को मिटा दे रहे हैं, और MCU.ac.in। तो इस तरीके से भी हम जे फाइल नहीं चल, वेबसाइट का URL नहीं चल रहा है तो हमने www. लगा दीजिए, भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां से फिर कोई भी वेबसाइट या जैसे लिख दिया rps.ac.in, इस फाइल एड्रेस को कॉपी किया और हमने यहां जाके क्या कर दिया, Ctrl+A Ctrl+V पेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, तो ये फाइल यहां ओपन हो जाएगी। देखो वेटिंग फॉर डाउनलोड, यस, ठीक है। तो यहां पर डेटा आपको यस, तो जो भी कंटेंट के रूप में है वो डेटा आ गया आपको, ठीक है। इस तरीके से हम वहां से डेटा को एक्सेस करा सकते हैं, जे आ गया डेटा पूरा, जो भी उसके अंदर हो सकता है वो डेटा हमने यहां पर एक्सेस करा लिया, राइट, जे आ गया। तो इसको हम इंपोर्ट कर देंगे तो डेटा यहां आ जाएगा। टाइम लगेगा क्या, बहुत सारे पेज दिख रहे थे लेकिन कुछ और दिखा रहा था यार, पिक्चर तो कुछ और आ रही थी उसमें, ठीक है, यस, ओके। लो आ गया, मिला डाटा आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस तरीके से वेब पेज से डेटा को उठा सकते हो, जे आ गया सब कुछ, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हुआ, बन जाएगा। तो यहां से आप कोई भी डेटा फॉर्मेट से डेटा ला सकते हो। अब मान लो आपने इसमें तो डेटा बदला था, देखिए यहां पर नेम सिटी, इसमें एक और रिकॉर्ड जोड़ दें, यदि हम यहां पर जाके FF फाइल को खोले और यहां पर आ जाए सीता सागर, सीत लिख दिया, चलो जाने तो दो, कोई भी नंबर, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहां माइक्रो डॉट पैड में तो हमने एडिट कर दिया, तो यहां पर कैसे आएगा, तो यहां से रिफ्रेश ऑल कर दो, क्या कर दो, सबका रिफ्रेश भी हो जाएगा, रिफ्रेश ऑल में सभी आ जाएगी, ओके करते जा, ओके ओके ओके, देखो ऐड हुआ, सीता आ गया अपने आप, सी लिखा था जो। तो इस तरीके से डेटा को हम प्राप्त कर सकते हैं और यहां से कनेक्शन को रिमूव भी कर सकते हो, आप चाहो इस कनेक्शन को रिमूव कर दिया, इसको भी, केक को भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, हमने FF को अकेला रहने दिया। तो जो भी कनेक्शन तुमने बनाए हो
उनको एडिट भी कर सकते हो। अब केवल रिफ्रेश करोगे तो एक ही फाइल आएगी FF, बाकी सबका कनेक्शन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। कर पाओगे? अब क्वेश्चन आता है, जैसे हमने ये डिलीट कर दिया, ओके, यहां से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इन्हें हम ए से जेड या जेड से एक ही क्रम में जमाना चाहते हैं तो यहां से कर पाएंगे। देखिए किसके आधा पर जम गया, यहां से देखिए जमा है ऑलरेडी, यहां उल्टा कर दिया तो फिर नंबर के हिसाब से क्या हो गया, ठीक है, इससे जीरो से नाइन, इससे नाइन से जीरो, लेकिन हमें तो केवल नेम के हिसाब से जमाना है तो इस पे चले जाइए। तो यहां पर नेम सिलेक्ट कीजिए, जेड टू ए की जगह ए टू जेड कर दीजिए, इससे क्या हुआ, क्या हुआ, सारे रिकॉर्ड नाम वाइज मान ए से जेड उल्टा करना है तो इस पे जाएंगे वापिस नेम और यहाँ जेड टू ए कर देंगे। अब सीताराम लिखा है, सीताराम हो रहा है, यदि आप इसमें अशोक कर दो, बीच में कहीं भी अशोक लिख दो, हो गया अशोक, और यहाँ कहीं जैन लिख दो, तो जिस क्रम से आपको बता देगा। देखिए जब भी आपको यहाँ से डेटा के अंदर जेड ए टू जेड करना है तो अशोक जैन आ गया, उल्टा करना है तो आपको जेड टू ए करना पड़ेगा, जेड टू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, इसी प्रकार से फिल्टर लगा सकते हो। क्या लगा दिया, फिल्टर। फिल्टर पे जैसे क्लिक किया तो फिल्टर लगाते ही आपको क्या चाहिए, देवरी देवरी, तो केवल सागर हटा दिया तो आपको सारे के सारे रिकॉर्ड देवरी वाले मिल जाएंगे, जिसका शहर जिसकी सिटी देवरी हो केवल वही रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। आपको सागर वाला चाहिए तो सागर पर, आपको सभी चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देंगे तो सब हो जाएगा। अब आप चाहते हैं यहाँ से कि जैन वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो केवल, तो यहाँ से क्लिक करके आप जैन पे क्लिक कर देंगे, कहाँ पर, तो ओनली जैन के जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो डिस्प्ले होंगे, बाकी नहीं, राइट, तो सभी करना है तो आप सभी, ठीक है। और इसमें से मान लो हम चाहते हैं कि शीत नाम का रिकॉर्ड ना डिस्प्ले हो तो उसमें से क्लिक हटा दोगे तो शीत नाम का रिकॉर्ड अकेला हट जाएगा, बाकी सब डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें से भी आपको सागर वाला देखना है या देवरी वाला तो आप वो भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी यदि और ज्यादा फिल्टर लगा है तो कई जगह पर फिल्टर हम लगा सकते हैं, तो इस तरीके से एक के बाद एक फिल्टर यूज कर सकते हैं। हमें चाहिए 470 वाला, जे हमने हटा दिए और केवल 470, तो एक ही रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, राइट। तो इस तरीके से फिल्टर का यूज कर सकते हैं, यहां से हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहां से चाहो तो उस फिल्टर को भी गायब कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है, बन जाएगा तो दिक्कत। फिर हम यहां पर चलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम, कॉलम टू टेक्स्ट, दो चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो मान लो आपने यहां पर या यहीं पर कोई भी चीज आपने बनाई, जैसे मान लो ये बनाया, देखिए स्पेस स्पेस देके हमने बना लिया इसको, अब हम जहां जहां स्पेस लगा हुआ है वहां पर हम कॉलम देना चाहते हैं तो टैग्स टू कॉलम करते हैं, क्या करते हैं, डिलिमिटेड स्पेस पे क्लिक कर देंगे और फिनिश कर देंगे, तो जहां जहां पर स्पेस था वहां वहां पर कॉलम तैयार हो गए। कैसे हुआ, ओके, इस तरीके से जो हमने बनाया और यहां पर क्लिक किया टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड और नेक्स्ट किया और स्पेस जो है और फिनिश कर दिया, राइट। इसके बाद हम यहां पर आते हैं और परसेंटेज लगा दिया, मान लो क्या लगा दिया, जहां जहां पर परसेंटेज है वहां वहां पर कॉलम बन जाना चाहिए, डिलिमिटेड अदर पे जाके परसेंटेज टाइप कर दिया, ये आ गया कॉलम वाइज डेटा, ओके, देख सकते हो बड़ा करके आ गया,
कैसे हुआ? कभी कभी हम क्या करते हैं, लिखने के बाद में पता चलता है कि हमें कॉलम बनाना है, तो यहाँ से फिक्स्ड बिट्स का भी यूज किया जा सकता है। कैसे? ये कॉलम दिख रहे हैं, चाहो तो इनको हटा सकते हो, डबल क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएंगे। देखिए, क्लिक करने पर द्वारा आ भी जाता है। अब हमें अपने हिसाब से कॉलम लगाना है, ठीक है? तो एक कॉलम यहाँ चाहिए, एक कॉलम यहाँ चाहिए, एक कॉलम यहाँ चाहिए। हमें ऐसे कॉलम बनाना, फिर फिनिश कर दो। तो जहां जहां पर हमने लाइन खींची है वहां वहां पर कॉलम आ जाएंगे, ठीक है? कैसे हुआ? यहाँ पर आए, आपने लिखा, लिखने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर डिलिमिटेड किया गए, फिक्स्ड बिट्स पे आ गए, और यहाँ से चाहो तो इनको हटा सकते हो, और जिस कॉलम को जोड़ना है वहां पर नया कॉलम ऐड कर सकते हो और फिनिश कर दोगे। तो इस तरीके से आपके कॉलम बन जाएंगे। यदि आपने मेटल लिखा है, आपने जे ऑब्लिक का निशान लगा दिया है, जितने भी ऑब्लिक आपने लगाए हैं उतने कॉलम बन जाए, तो इस पे सिलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम नेक्स्ट, और क्या कर दोगे यहाँ पर ऑब्लिक का, तो जहां जहां पर क्या है कॉलम ऑब्लिक था वहां वहां पर कॉलम तैयार हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया कॉलम टेक्स्ट टू कॉलम, जो टेक्स्ट कॉलम में लिखा है उसे टेक्स्ट को हमने कॉलम में डिवाइड कर दिया। तो ये यहां से भी हो सकता है, ये नोटपैड से, जैसे मान लो कोई फाइल पहले से बनी हुई है, जैसे एफएफ बनाई हुई है, इस डेटा को आप सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो और इसे कहाँ ले जा सकते हो, यहाँ पर पेस्ट। तो ये डायरेक्ट कॉलम में डिवाइडेशन हो रहा है पेस्ट करते ही। ये क्यों हो रहा है? जब भी तुमने यहाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर कॉलम ऑलरेडी डिलिमिटेड पे इस पे निशान है, ये सब निशान हटा दो, वो फिर आप फिनिश कर दो, इसको पेस्ट करोगे तो यही आएगा। देखिए आप क्या आ गया, क्योंकि वहां पर क्लिक नहीं है। तो फिर आपको सिलेक्ट करके डिलिमिटेड और टैब पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो कॉलम वाइज व्यवस्थित हो पाएंगे। ओके, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, बन जाएगा इस तरीके।